अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद मरियम। आज मैं आपके लिए गाजर के हलवे की रेसिपी लाई हूँ। सर्दियों का मौसम है, सर्दियों की सौगात गाजरें, तो इससे हम आज हलवा बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाजरें मैंने ली हैं 1 किलो, इनको मैंने श्रेड कर दिया है, कद्दूकश कर दिया है। दूध मैंने लिया है 750 ml या फिर 3 पाव। दूध की बालाई मैंने ली है आधा कप। दूध के ऊपर जो बालाई आ जाती है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप 3 पाव दूध की जगह 1 लीटर दूध ले लेंगे। चीनी मैंने ली है 1 कप। खोया मैंने लिया है 150 ग्राम्स, ये फीका खोया है। इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून लिया है। और ड्राई फ्रूट्स में जो चीज़ें जाएंगी, वॉलनट्स मैंने लिए हैं 1/4 कप, इनको मैंने चॉप कर दिया है। बादाम मैंने लिए हैं, इसको मैंने 10 मिनट गर्म पानी में भिगो दिया था और छील लिया था। बादाम भी 1/4 कप मैंने लिए हैं। और पिस्ता मैंने लिए हैं 1/3 कप। आप चाहें तो काजू भी डाल सकते हैं, किशमिश भी डाल सकते हैं। और घी मैंने लिया है देसी घी आधा कप। एक कढ़ाई में सबसे पहले मैं गाजर जो मैंने कद्दूकश की वो और 1 कप चीनी डाल के इसको मैं मिक्स कर दूंगी। और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मैं कवर करके पकाने के लिए रख दूंगी। इससे क्या होगा, गाजरें अपना पानी छोड़ती हैं और जो चीनी मैंने डाली है वो भी अपना पानी छोड़ेगी। तो जो पानी है वो ये जब खुश्क हो जाएगा उसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, अब मैं इसको चेक कर रही हूँ। ये देखिए, इसका पानी खुश्क हो चुका है और गाजरें जो हमने डाली थी उसका साइज़ भी थोड़ा सा कम हो गया है, थोड़ी सी श्रिंक हो गई हैं। अब मैं इसमें दूध डालूंगी। 750 ml मैंने दूध लिया है, क्योंकि मैं बालाई भी डालूंगी तो मैंने दूध थोड़ा सा कम लिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और इसको कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पकाऊंगी। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने इसको चेक करना है कि ये नीचे से लग ना जाए। नॉनस्टिक पैन मैंने लिया है तो उसमें चिपकने का ख़तरा इतना नहीं होता, लेकिन अगर आप स्टील का फ्राइंग पैन या कोई और बर्तन यूज़ कर रहे हैं तो आपको बीच बीच में चेक करना पड़ेगा कि गाजरें नीचे लग ना जाएं। 10 मिनट हो चुके हैं, मैं इसको एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ। दूध आधा खुश्क हो चुका है और ये साइड्स पे जो लग चुका है इसको हम उतार देंगे ताकि जले ना। इसको मैं कवर करके और 10 मिनट या 15 मिनट बाद चेक करूँगी कि दूध और खुश्क हो जाए, तो फिर हम इसको चेक करेंगे। 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ इसका दूध तकरीबन खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा नीचे अभी दूध रहता है। इसको मिक्स करके अभी जो बालाई मैंने आपको बताई थी आधा कप, वो बालाई मैं ले रही हूँ और इसको मैं ऊपर ऊपर की तरफ रख दूंगी। जैसे गाजर का हलवा है, इसके ऊपर आपने अच्छी तरह से फैला देना है। ठीक है, ये हमने फैला दिया। ये अगर आप नहीं डालते बालाई तो ये तरीका ज़रूर करके देखिएगा, इससे बहुत रिच क्रीमी फ्लेवर आता है गाजर के हलवे में। और इस बालाई को मैं मिक्स नहीं करूँगी अभी, इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी। जब इसका बालाई का अपना पानी निकलेगा या दूध निकलेगा और वो खुश्क हो जाएगा तो फिर आप देखिएगा कि इसका एक खोए जैसा टेक्सचर आता है, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत क्रीमी होता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये टिप। मैं गाजर का हलवा बनाती हूँ तो इस तरह से करती हूँ। दस मिनट हो चुके हैं, मैं इसको चेक कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा नीचे अभी भी दूध और रहता है और ये खोए की तरह भालाई का टेक्सचर आ चुका है। इसको मैं हल्के हाथ से सिर्फ साइड से चेक कर रही हूँ कि ये लग तो नहीं रहा नीचे। भालाई को अभी मैंने मिक्स नहीं करना। इलायची पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ और घी जो है 1/2 कप ये ऐड कर दूंगी। अभी ये लास्ट स्टेप है, हमारा गाजर का हलवा तैयार होने वाला है। और खोया जो था 150 ग्राम्स, उसका मैं हाफ हाफ क्वांटिटी में डालूंगी और हाफ क्वांटिटी जो है वो गार्निशिंग के टाइम।
अभी सारी चीज़ें डाल दी और इसको कवर करके मैं थोड़ी देर छोड़ दूंगी, यहाँ तक कि दूध बिल्कुल खुश्क हो जाए। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है। आप मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपने बाकी रेसिपीज़ भी ट्राई की होंगी गाजर के हलवे की, एक दफ़ा मेरी रेसिपी ट्राई करके देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा सा अभी दूध है, नमी है इसमें, और इसको पकाएंगे। नमी जब इसकी ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम इसको निकाल देंगे। ड्राई फ्रूट मैं डाल रही हूँ, मैंने जो क्वांटिटी आपको बताई थी उसका हाफ़ मैं डाल रही हूँ अभी, और हाफ़ जो है वो गार्निशिंग के टाइम डालूँगी। अब फ्लेम थोड़ी सी मैं तेज़ कर दूंगी ताकि इसका जो पानी या फिर दूध है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। टाइमिंग का आपने अपने हिसाब से ख्याल रखना है, अगर आप थोड़ी तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे तो आपने टाइमिंग थोड़ी सी कम कर देनी है उसके पकने की। मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाया है तो जो मैंने टाइम आपको बताया है उस हिसाब से आप पकाएं। अभी देखें इसमें हल्का सा दूध है तो इसको मैं भूनूंगी थोड़ी देर कि खुश्क हो जाए बिल्कुल। अभी हम चेक करते हैं दोबारा, हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि इसका जो भी दूध था सारा खुश्क हो चुका है। ये देखें बिल्कुल भी दूध नज़र नहीं आ रहा, नमी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और ये भुन चुका है घी में अच्छी तरह से, तो हम इसको सर्व करने के लिए निकाल देंगे। तो मज़ेदार गाजर का हलवा तैयार है, इसको मैंने गार्निश किया है बादाम, पिस्ता, अखरोट के साथ और खोए के साथ। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप काजू डाल सकते हैं, आप इसमें किशमिश ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।